Welcome back, students. In the group theory class, today we are going to discuss some properties of factor groups. All right. So in the last lecture, we have discussed some properties of normal subgroup, and then with the help of that, suppose S is normal in G, then we have defined an other set and denoted by G by H, or sometimes we use to write G slash H like this, and this is nothing but collection of all those AH such that A belongs to G. And we have proved that this set G by H forms a group. This is a group under the operation AH BH equals to ABH. So this is sometimes also called the product of two left coset is again a left coset. Fine. This operation specifically. और इसको हमने प्रूफ भी किया था कि इस ऑपरेशन के अंडर में ये एक ग्रुप बनता है. We are saying group. We are not saying that this is subgroup. Fine. Okay. So इसमें हमने ये देखा था कि identity जो element होता है. What is identity element? So question was that. So A H इसके element जो भी होंगे किस type के होंगे A H type के होंगे. ठीक है ना? So अगर हम identity ले E इसकी identity group G की identity ले और H ले तो ये कितना हो जाता है? ये H ही होगा. ठीक ना, क्योंकि ये H क्या है? H एक सब नॉर्मल सब ग्रुप है. किसका? G का. और नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये इंप्लाई कर देगा कि H एक सब ग्रुप होगा. ठीक है ना, बट नॉट कन्वर्सली. हर सब ग्रुप जो है नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है. ठीक है, आपने ये देखा था. तो जो भी ये एलिमेंट होगा ई एच टाइप का, ये एक हम देख पाएंगे आगे कि ये आइडेंटिटी का काम करेगा. ठीक है, चलिए. और बल्कि हमने इसको प्रूफ भी किया था जब हम इसको ग्रुप प्रूफ कर रहे थे तो. ठीक है ना, तो ई एच जो है आइडेंटिटी का काम करेगा. वी विल सी लेटर. सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स सम एग्जांपल्स. हम पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और रिजल्ट्स की. एग्जाम्पल नंबर 10. In the last lecture, we have discussed some examples, maybe 4 or 5 examples we have discussed. A few are left. ठीक है ना, so उसको हम आप लोग देखिएगा, solved है सारे, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा stress नहीं दिया. कुछ 4-5 example मैंने explain कर दिए और अब हम यहाँ पे भी discuss करेंगे. वो examples जो थे वो normal subgroup से related थे, ये जो quotient group से related है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 ये कहता है कि 4Z यहाँ पे एक सेट कंसीडर किया इन्होंने जिसमें एलिमेंट्स है 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन, यानी मल्टीपल ऑफ 4 की बात कर रहे हैं. और अब ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जेड बाई 4Z की. फाइन. सो सबसे पहले ये है कि ये जो 4Z है, हम कब इस ग्रुप की बात कर सकते हैं? जब 4Z जो है ये कहां पे क्या हो, ये नॉर्मल हो. ठीक है ना, ये नॉर्मल हो. किसमें? Z में नॉर्मल हो. ठीक है ना, और ये हम देख सकते हैं क्योंकि Z जो होता है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर यूजुअल एडिशन की बात की गई है. फाइन, 4Z इसका एक सबसेट होता है, ऑफकोर्स ये सब ग्रुप भी होगा. ठीक है ना, और साथ ही साथ सिंस जेड कैसा है, अबेलियन ग्रुप है. जेड क्या है? अबेलियन ग्रुप है. सो अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, उसमें नॉर्मल होंगे. ठीक है ना, हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कोई ग्रुप अगर जी है, इफ देयर इज अ ग्रुप जी, तो इसका सेंटर जो होता है इसको हम कैसे करते हैं, जेड जी से कहते हैं. ये हमेशा किसमें होता है, ये नॉर्मल होता है. ठीक है ना, नॉर्मल होता है. फाइन,
सो जब अभी कौन सेंटर में वो एलिमेंट होते हैं x such that x g equals to g x for all g belongs to g, ठीक है, ये सेंटर में एलिमेंट होते हैं, फाइन। तो अगर ये ग्रुप अबेलियन हुआ तो इसके सारे एलिमेंट कहाँ पे हो जाएंगे, सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है ना, सारे ग्रुप सारे एलिमेंट इसके सेंटर में हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अबेलियन ग्रुप के केस में सभी सेंटर में होंगे, इसका मतलब ये है कि जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल हो गया तो फिर क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया तो हम इसमें जेड बाई 4z की बात यहाँ पे कर सकते हैं। ये रिजल्ट किसी भी जो अबेलियन ग्रुप है उसके लिए ट्रू है। G कोई भी अबेलियन है, एनी अबेलियन ग्रुप है, कोई भी अबेलियन ग्रुप, आप चाहे तो प्रूफ करके दे सकते हैं कि G इज एनी अबेलियन ग्रुप, तो इसका सारे सब ग्रुप्स उसमें क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। और ये इसी को प्रूफ करेगा, क्योंकि पहले आप सेंटर, हमने ये प्रूफ किया ही है कि सेंटर G में क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो आप ये प्रूफ कर देंगे कि जो अबेलियन है इसका सेंटर क्या होगा, जेड जी ही होगा, और जेड जी सारे क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी इसका सब ग्रुप लोगे तो क्या होगा, वो सेंटर का सब ग्रुप बन जाएगा ना, ठीक है। तो चलते हैं, लेट अस सी ये एग्जांपल। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं किसकी, जेड अपॉन 4z की बात कर सकते हैं। इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे जेड अपॉन 4z, इसमें एलिमेंट होंगे समथिंग के एक्स टाइम्स ऑफ 4z टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, ये जो है एडिटिव ग्रुप है, इसलिए हमने यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन लगाया हुआ है, ठीक है, ओके। सो इसमें हम क्या, इसमें हम इस वाले में हम ऐड करते हैं, जैसे वहां पे लिखते थे हम G by H को कैसे लिखते थे, यहाँ पे कलेक्शन होता है A H का कलेक्शन होता है, A belongs to कहाँ को होता था, G का कलेक्शन होता था, तो H हमारा क्या है, यहाँ पे 4z है और G जो है Z है, तो A H type का होगा एलिमेंट। इसमें ऑपरेशन क्या है, इसका ऑपरेशन जो है एडिशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया हुआ है, फाइन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ओके। सो इसमें जो है इसके कोसेंट में ये जो बन रहा है, ये कोसेंट ग्रुप बन रहा है, इसमें हम क्लेम करेंगे कि केवल 4 ही टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सो इफ यू टेक लेट के बी एनी इंटीजर, ठीक है ना, देन के को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 4q+r बचेगा, ये 4q+r की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे r 0 से बड़ा है या बराबर है और 4 से छोटा, क्योंकि 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सो अब इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, x प्लस 4z टाइप के हैं, तो x प्लस 4z, ठीक है, ये हो गया k प्लस, अब इसके एलिमेंट जो 4, ये 4z हो गया, दिस इज इक्वल्स टू के को कैसे लिखेंगे हम, 4 या ऐसे कहें हम, के को हम लिख पाएंगे 4q+r+4z टाइप से लिख पाएंगे, सो r प्लस 4q 4z, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एलिमेंट 4 के मल्टीपल है, इसमें भी q इंटीजर है, तो इसमें भी 4 के मल्टीपल है, अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, लीव्स रिमाइंडर 0, ठीक है ना, व्हेन डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सो क्या बचेगा, हम इसको देखेंगे कि प्लस 4z दिस इज इक्वल्स टू r प्लस 4q+4z, ये 0 रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है ना, leaves remainder 0 when divided by 4, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक, ये r हो जाएगा,
इसको या 4q जो होगा, 4q भी किसका मेंबर हो जाएगा, 4z का ही मेंबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है ना, तो इसी का मेंबर हो जाएगा। तो अब इसमें ये हो क्या गया, मतलब इसमें ना 4q, q की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप या फिक्स्ड वैल्यू लेंगे कि कोई पर्टिकुलर फिक्स रहेगा, तो इसमें सारे एलिमेंट में, या तो ऐसे समझ लीजिए कि इसमें ऐड हो जाएगा, फाइन। तो ये जो भी होगा ये 4z ही रहेगा, यानी जब भी रहेगा तो 4 का मल्टीपल ही रहेगा, इसी का तो होगा, ठीक है ना, 4 का मल्टीपल ही रहेगा। तो r की चॉइसेस क्या है, r की चॉइसेस 0 से 4 के बीच में है, r इंटीजर है, ठीक है ना, डिवाइड कर रहे हैं, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 और 2 और 3, ये वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबल जो एलिमेंट्स हैं इसमें 4z अपॉन 4z में, ठीक है ना, इसमें z अपॉन 4z में इसमें जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो है क्या, ठीक है ना, एक तो होगा 0 प्लस 4z, ये क्या हो जाएगा, 4z ही रहेगा, ठीक, और 1 प्लस 4z, इसमें से एक एक वैल्यू उठाते जाएंगे, 1 प्लस 4z, क्योंकि हमने इस फॉर्म का कंसीडर किया है ना कि जब भी होगा तो ये इस फॉर्म का होगा, और इस फॉर्म का होगा तो इसको हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे, वो r के डिफरेंट डिफरेंट 3 पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा जो कुछ भी r की वैल्यू लेंगे ना, इसी में से मिलने वाला है, ये जो हम लिखेंगे इसी में से मिलने वाला है। तो 1 प्लस 4z, 1 प्लस 4z में, 4z में जो एलिमेंट्स है आप देखेंगे यहाँ पे, तो 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 इस तरीके से करके, तो 0 में ऐड करेंगे 1 तो कितना आएगा, या फिर ऐसे कर देता हूँ, 1 प्लस 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। सो ये 0 में करेंगे तो 1 हो जाएगा सारे, इसका मतलब ये है, ये ऐसा ग्रुप में होता है, ऐसे नॉर्मल सेट में नहीं हम कह पाएंगे, ऐसा ग्रुप में होता है। इसका मतलब ये है कि 1 जो है 0 में ऐड होगा, 1 जो है 4 में ऐड होगा, नेगेटिव 4 में ऐड होगा, तो 0 1 हो गया, 4 में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 8 में ऐड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक, अच्छा नेगेटिव 4 में ऐड करेंगे तो नेगेटिव 3 आएगा, और 8 में, नेगेटिव 8 में ऐड 1 ऐड करेंगे तो नेगेटिव 7 आएगा, ठीक है, और ऐसे नेगेटिव 11 हो जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। एंड देन 2 प्लस 4z, 2 प्लस 4z में यहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, ओके, देन दिस इज इक्वल्स टू 2 और 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया, फाइन। अब नेगेटिव में, नेगेटिव 4 प्लस 2 तो हो गया नेगेटिव 2, नेगेटिव 6 और नेगेटिव 10 ऐसे, एंड देन 3 प्लस 4z ये हो गया 3 प्लस 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 7 11 एंड देन नेगेटिव 1 नेगेटिव 5 एंड नेगेटिव 9, ओके। अब इसके अलावा जैसे ही हमें इसमें 4 प्लस 4 के 4z करेंगे ना, 4 प्लस 4z करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस और 4z जो एलिमेंट है 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 करके ये होगा, ठीक है। अब इसमें 4 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 0 में ऐड करेंगे, ठीक है ना, प्लस 4 इसमें ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में ऐड करेंगे 12 आएगा, इस तरीके से एलिमेंट आएंगे, और नेगेटिव 4 में 4 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, फाइन। फिर नेगेटिव 8 में ऐड करोगे 4 तो कितना आएगा, नेगेटिव 4 आएगा, इस तरीके से करके एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ये फिर कौन सा एलिमेंट हो गया, 4z ही तो हुआ, ये 4z ही हो जाएगा। इसका मतलब ये रिपीट करेगा, खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंस क्लास तो डिस्कस किया नहीं, क्योंकि वो एक तो पार्ट में भी नहीं था, अगर टाइम मिलेगा तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज है। इक्विवेलेंस क्लास में, क्लास जो होता है, यानी इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कोई एक रिलेशन, ठीक है ना, एनी रिलेशन, कोई रिलेशन है, ठीक है ना, वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ये सेटिस्फाई करता है
तो वो इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास बनाता है, और वो इक्विवेलेंस क्लास किसी सेट को पार्टीशन करता है, डिसजॉइंट पार्टीशन, ठीक है। या तो दो क्लासेस सेम होंगी या तो बिल्कुल, जैसे ये एक क्लास बन गई, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, ये चारों डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं। ये फिर से रिपीट होता जा रहा है, जैसे ही 1 + 4, 5 + 4 जेड करेंगे ना ये, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 1 + 4 + 4 जेड लिख पाएंगे, ये क्या है हमारा 4 जेड है, ये क्या हो जाएगा 1 + 4 जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद खुद को रिपीट करें, ये जो क्लास होगा, ठीक है ना, ये क्लास, इसको हम समटाइम्स वी यूज टू राइट लाइक दिस, 0 + 4 जेड की क्लास हो जाएगी ये, यानी इसमें वो एलिमेंट्स रहेंगे जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो, ठीक है ना। इसमें वो एलिमेंट्स रहेंगे जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा हो। तो जैसे इसको लिखेंगे हम 0 + 4 जेड, ये एक क्लास जो बनेगा, ठीक है ना, ये क्लास है, क्लास, ठीक है ना, वो एलिमेंट, दूस एलिमेंट्स एलिमेंट्स व्हेन डिवाइडेड बाय, या एलिमेंट्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव रिमाइंडर 0, ओके। और 1 + 4 जेड में ये ऐसे होगा, 1 + 4 में क्या होगा, ये भी एक क्लास होगी, ठीक है ना, ये भी एक क्लास होती है। ये जो क्लास होगी ये क्या आएगा, दूज एलिमेंट्स जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना लीव करे 1, फिर 2 + 4 जेड ये क्या आएगा, व्हेन ये भी एक क्लास होगी, रिमाइंडर कितना छोड़ेंगे 2, 3 + 4 जेड ये भी एक क्लास होगी, ठीक है ना, ये रिमाइंडर कितना छोड़ेंगे 3। ऐसे ही जैसे हम 4 + 4 जेड करेंगे ना, 4 + 4 जेड करेंगे, तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा, ये भी रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, है ना, तो ये कुछ और नहीं हो जाएगा बल्कि ये हो जाएगा 0 + 4 जेड, यानी ये दोनों क्लासेस सेम हो जाएंगी, चाहे ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों क्लासेस क्या होंगी, सेम होंगी। या फिर ऐसे लिख दीजिए 4 के मल्टीपल कुछ भी, 8 + 4 जेड भी लिख दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर 12 + 4 जेड लिख दीजिए तो भी ये सारी सेम होंगी। इसमें और क्या लिख सकते हैं, 1 है, ठीक है ना, ऐसे हमें लिखने पड़ेंगे जो जिनसे डिवाइड करने पे फिर रिमाइंडर 1 आ रहा हो 4 को, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं, 5 + 4 जेड यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इन दोनों की क्लास क्या होगी, इसकी क्लास भी सेम होगी, ठीक है। और हम देखेंगे कि इसमें 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 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और ये जो है ना 0 + 4 जेड और यूनियन ये 1 + 4 जेड यूनियन ये 2 + 4 जेड एंड 3 + 4 जेड, ये सारे जो है हमारा ये 4 जेड देंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट इसी को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया, क्या सर ये 4 जेड देंगे या जेड, हाँ हाँ जेड देंगे, जेड देंगे, जेड देंगे, कहाँ, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, इसको एक मिनट, ये जो है आपका इसमें जो एलिमेंट मिल रहे हैं ना, ये किसको हमने सेट, किसको हमने लिया है 4z / z, ये इसको लिया है ना, इसको लिया हमने, ये लिया है ना, तो इसको देंगे z / 4z को देंगे, z / 4z देंगे, इसी को तो किया हमने z / 4z ये देंगे, ठीक है। तो सर, यस सर, ये जो क्लासेस हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन की हैं, लेकिन रिलेशन इसमें क्या होगा सर, रिलेशन जो ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं, मतलब इसमें रिलेशन जो होगा ना वो ये होगा कि व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 0,
लीव्स रिमाइंडर वन, इस तरीके से करके होगा इक्विवेलेंस रिलेशन. ए रिलेटेड टू बी, हर एक का एक होगा. जैसे ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ इट लीव्स रिमाइंडर आर, तो आर के वैल्यू पॉसिबिलिटीज क्या होती है, 0, 1, 2, 3 हो सकती है, ये रिलेशन होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका. हम लोगों ने सर किसी ग्रुप में सर सेम एलिमेंट हो सकते हैं सर, किसी ग्रुप में कोई भी ग्रुप है सर उसमें सेम एलिमेंट हो सकते हैं सर. सेम का मतलब मैं समझा नहीं. अच्छा, दो बार आए कोई एलिमेंट. यस सर. नहीं, उसका क्या फायदा है, जब प्रॉपर्टी सेम रहेगी तो दो बार लिखो क्या फायदा है उसको. पहले तो सेट बनाओगे ना, सेट में तो रिपीटेशन हटा ही दोगे पहले आप, है ना. तो अब देखो इसमें हम ऑपरेशन देखते हैं, ये एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे इसके. ये जो जेड अपॉन फोर जेड है ना, ये पूरे में केवल चार टाइप के एलिमेंट होने वाले, 0+4z टाइप के, 1+4z टाइप के, 2+4z टाइप के, 3+4z टाइप के. तो ये चारों एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स होंगे. और अब इसमें हम ऑपरेशन देखते हैं. ऑपरेशन क्या होगा, जो हम लोगों ने देखा था कि ए एच बी एच इक्वल्स टू ए बी एच, इस टाइप का ऑपरेशन होगा. तो इसमें देखेंगे 0+0, ये दोनों को कंपोजिशन जब लेंगे इसका, तो 0+0 4z 4z, तो कितना आएगा, 0+4z आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 1+4z आ जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे 3+4z आ जाएगा, ऐसे ही इस कॉलम में आ जाएगा, यहाँ रो जैसा वैसा ही कॉलम. फिर यहाँ पे जाएंगे तो 4z 4z तो है ही इसमें. ठीक है, 4z और 4z तो है ही. तो 1+1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे. फिर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 3 आ जाएगा. यहाँ पे 3 है ओके, और यहाँ पे क्या है, इस रो में 1 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. तो 4 क्या है, 0+4z हो जाएगा. ऐसे ही हम कर सकते हैं आराम से. ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब भी हमने टेबल बनाया है, ठीक है ना, तो मेजरली ये 4z जो जितने भी आ रहे हैं, ये 4z 4z करके आ रहे हैं ना. ठीक है, ये एलिमेंट्स जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे इसमें ओके. सो ये जो एलिमेंट्स हैं, जब भी 4z टाइप के हैं तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका 0 आएगा. तो मेन पार्ट जो प्ले कर रहा है वो क्या प्ले कर रहा है, 0 1 2 3 0, यहाँ पे 1 2 3 0 2 3 1 0 3 0 1 2, ये मेन पार्ट प्ले कर रहा है. बाकी 4z जो है वो तो सब में कॉमन है ही. ठीक है, सो इसके अगर हम टेबल मैच करेंगे, टेबल मैच करें किससे, अगर हम मैच करें जेड फोर से मैच करें, जेड फोर में एलिमेंट्स कौन से होंगे, 0 1 2 और 3. ठीक, ध्यान है आपको. और इसकी टेबल बनाएंगे तो इसको सपोज अब इसको हम भूल जाते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं, इसको हम भूल जाते हैं. ठीक है ना, इसको हम भूल जाते हैं. तो ये होगा क्या कि हमें क्या देगा, 0 0 0 + 0 क्या देगा, 0. 1+0 1 2, इस तरीके से करके यहाँ पे 0 1 2 3 आ जाएगा. फिर 1+1 यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, 1+1 2, फिर 2+1 3, फिर 3+1 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा. तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये टेबल किसकी लग रही है, जेड फोर की ही टेबल लग रही है. इसकी प्रॉपर्टीज अगर हर एलिमेंट की देखेंगे तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है ये एलिमेंट, है ना, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है. वन जो है इसका अब इसमें अगर इनवर्स की बात करें, ठीक है ना, तो टू जो है, ठीक है ना, टू सेल्फ इनवर्स है. 2+2 कितना होगा, 4 होगा, 4 कितना, 0 हो जाएगा. तो टू देखेंगे और टू देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये टू सेल्फ इनवर्स बन रहा है. ठीक है, और 3 का इनवर्स कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी 3 का इनवर्स क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है, आप देख सकते हैं. ठीक है, ऐसे 1 का इनवर्स क्या बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे. फाइन, इस तरीके से करके. सो 1, 3 एक दूसरे के इनवर्स हो गए, 2 सेल्फ इनवर्स हो गया और 0 भी सेल्फ इनवर्स हो गया. तो आप यहां से ये चीज क्लियर है. तो जो प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के एलिमेंट की, वही प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के भी एलिमेंट की है, जो जेड बाई 4z की भी है. ठीक है,
सेम वही प्रॉपर्टीज है, उसमें अलग नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड फोर जो है ये कैसा है, जेड अपॉन फोर जेड टाइप का है, इसी टाइप का तो है ना। और सिंस सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज जितने कितने एलिमेंट है इसमें, फोर एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, फोर एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है दोनों में, ठीक। और दो एलिमेंट्स इसमें हैं जो जिनका इनवर्स जो सेल्फ इनवर्स है, दो एलिमेंट इसमें भी जिनका जो सेल्फ इनवर्स है, और दो एलिमेंट ऐसे हैं इसमें जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, और ये यहाँ पे भी एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। सो ये जो ए दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं आइसोमार्फिक हो जाएंगे जेड जेड फोर और जेड अपॉन फोर जेड, ठीक है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी आपका वन था, यहाँ पे आइडेंटिटी जीरो प्लस फोर जेड है, ठीक है। और वन प्लस यहाँ पे फोर जेड एक एलिमेंट है, और टू प्लस जेड ये सेल्फ इनवर्स है, ठीक है ना। और वन प्लस फोर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे आना, ये यहाँ पे जो है टू सेल्फ इनवर्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू प्लस फोर जेड ये सेल्फ इनवर्स है, ठीक है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, जीरो प्लस फोर जेड था, ठीक है। यहाँ पे थ्री आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो जीरो जीरो था, ठीक है ना। और वन के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या था, वन प्लस फोर जेड, वन प्लस फोर जेड था यहाँ पे, और थ्री के करेस्पॉन्डिंग थ्री प्लस फोर जेड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो इस हिसाब से जेड फोर जो है ये हम ऐसे लिखते हैं आइसोमार्फिक टू जेड अपॉन फोर जेड, ठीक है। आइसोमार्फिज्म हम आगे देखेंगे, बस यहाँ पे जस्ट मैं क्लू बता रहा हूँ, जब दो ग्रुप एक की प्रॉपर्टी एकदम सेम हो जाए, सब कुछ सेम है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आइसोमार्फिक है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस लुक में डिफरेंस हो सकता है। अब आइसोमार्फिज्म ऐसे समझ लो कि मैं आपसे कहूँ कि वन से टेन तक गिनती लिखो काउंटिंग, तो आप लिखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब हम जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश से पढ़े हैं हिंदी मीडियम से, उनसे कहा जाएगा लिखने का, तो ऐसे लिखेंगे एक, ठीक है ना, दो तीन चार पाँच छ और सात और आठ, कैसे लिखते हैं, आठ ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, नौ ऐसे लिखते हैं और दस ऐसे लिखते हैं। तो लिखा तो हम दोनों ने सेम ही ना, ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, है ना, या फिर किसी से रोमन में कह दिया जाए लिखने को। तो जब दोनों चीजें सेम हो, प्रॉपर्टी सारी सेम हो, तो हम उनको क्या कह देते हैं, आइसोमार्फिक कह देते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली आइसोमार्फिक कह देते हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो इन जनरल जो है, अब आइसोमार्फिज्म हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे। सो इन जनरल जो होता है आपका जेड अपॉन एन जेड, ये आइसोमार्फिक होता है ये जेड एन के, ठीक है। जब आइसोमार्फिज्म पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है ना, ओके फाइन। चलिए फिर आगे चलते, काफी टाइम हो गया इसमें, एग्जांपल नंबर, यस सर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे? हाँ, कौन से, ये दोनों नहीं, यस सर, या फिर जेड अपॉन एन जेड इसका आइसोमॉर्फिक होगा? नहीं, चाहे जिसको कहो, चाहे जेड एन को आइसोमॉर्फिक को, जब दोनों एक हो गए ना, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे इसका नाम लेके बुलाओ चाहे इसका नाम लेके बुलाओ। जैसे आपका नाम क्या है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या नाम आपका बेटा? निखिल सर। हाँ निखिल, ठीक है, आपका नाम निखिल है, घर का भी नाम कुछ रखा गया होगा, है ना, तो चाहे घर वाले आपको उस नाम से बुलाएं या फिर आप घर वाले नाम से बुलाएं, चाहे आपको निखिल नाम से बुलाएं, आप बोलोगे तो आप ही ना, क्योंकि दोनों
सेम ही है, बस नाम अलग अलग हैं, नाम तो यहाँ पे नाम दो रख दिया, मतलब इनका लिखने का तरीका दो लिख दिया, एक जो जेड एन लिख दिया, एक को क्या लिख दिया, एन बाई जेड लिख दिया, जेड बाई एन जेड लिख दिया, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है। उनका लुक अलग हो सकता है थोड़ा, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। चलिए, तो चाहे जिसको जिसके आइसोमॉर्फिक कहेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, यस सर, उसमें 4Z कम्यूट कर रहा है 4Z के साथ, तो 4Z दे रहा है सर, ये समझ नहीं आया। 4Z किसके साथ सर? 1+1 वहां पर एडिशन ले रहे हैं। आप क्या कह रहे हो कि 4Z 4Z 4 के साथ अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या दे रहा है हमें? 4Z दे रहा है यही सर, 4Z अगर हम कम्यूट कर रहे हैं 4Z के साथ। अच्छा, 4Z इसको आप कम्यूट कर, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं दोनों, आप ऐसे कह रहे हो, तो आप कह रहे हो कि 4Z मिल रहा है, यही ना? 8Z क्यों नहीं मिल रहा सर यहाँ पे? 8, क्योंकि डिफरेंट जो होंगे ना इसमें वो तीन ही होंगे, चार ही होंगे, यही तो हमने अभी प्रूफ किया, यहाँ पे चार ही हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर आप 8Z पे जैसे ही जाओगे ना, मान लो 8Z लिखो आप ना, क्या दिक्कत है, 8Z लिखो, 4Z इक्वल टू 8Z सर। हाँ, तो इसको जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो ही तो आएगा इसके एलिमेंट को। यस सर, एग्जैक्टली वही होंगे। आप 4Z आप करके देख लो, एलिमेंट उठाइए और उसमें करके देख लिए, इसमें प्लस माइनस दोनों, जैसे ये है ना 4+4Z जैसे कर रहे थे, तो जीरो आ गया ना कहीं पे, हो सकता है शुरू में ना आ, कहीं पे आएगा वो, ठीक है ना, आप करके देखोगे तो आएगा। दोनों के एलिमेंट ही को ऐड करने हैं, दोनों के एलिमेंट्स को ही ऐड करने हैं। 4Z में कैसे एलिमेंट थे? 4Z में एलिमेंट है 0+-4+-8, चलो ठीक है ना, ऐसे करके एलिमेंट है। इसमें कैसे एलिमेंट है? 0+-4+-8, ऐसे एलिमेंट्स है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अब 0 0 का एक उठाओ, इसके सारे एलिमेंट में ऐड कर डालो, तो एक तो 0 हो गया, ठीक है ना, फिर 4 ऐड करोगे, ये 0 ऐड करोगे इसमें, तो सारा वही आ जाएगा, है ना, क्या आएगा 4+-4+-8, ऐसे करके आएगा, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ से उठाओ, 4 उठाओ, 4 उठाओगे तो क्या आएगा, फिर से 4 आने, फिर 8 आएगा, है ना, आ चुके कि नहीं जो, ठीक है ना, समझ रहे हो आप? तो इसमें से जो रिपीट कर रहे होंगे ना उसको हम हटा देंगे, इन सबको हटा ही देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? आखिर ये सेट भी तो है, ग्रुप बनने के पहले पहले क्या होना पड़ता है, उसको सेट होना पड़ता है ना, रिपीटिशन हम हटा देंगे वहां से। चलिए एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं, Z18 लिया हुआ है इसमें, और H16 ले लिया है, एक साइक्लिक ग्रुप है, आप जानते हो कि 6 से जनरेटेड है ये, ठीक है। तो ये 6 ये एडिटिव ग्रुप है, Z18 को एडिटिव ग्रुप लिया हुआ है, इसी में से एक एलिमेंट उठाया, Z18 में से एक एलिमेंट उठाया 6, उसके द्वारा जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया 0 6 और 12, और फिर जो है Z18 क्या होता है, एक ये अबेलियन है ही, ठीक है ना, ये अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप है, इनफैक्ट मोर प्रिसाइजली ये जो है हमारा साइक्लिक ग्रुप बनेगा, है ना, 1 से जनरेट हो जाएगा ये, तो इसका एक सब ग्रुप लिया 0 6 12 करके, जो 6 से जनरेटेड है, तो G/H ये बनेगा, 5 तक जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो है इस ग्रुप का हम देखेंगे ऑपरेशन, ये 6 है, 6 से जनरेटेड है, और जब भी हम 6 से डिवाइड करेंगे इसमें तो अप टू 5 आएगा, जैसे ही 6 आएगा तो 6+H हो जाएगा ना, तो 0+H के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो आप, है ना, किसी भी कोई भी के इंटीजर लेंगे हम, ठीक ना, और k को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, आप 6q+r की फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे r की वैल्यू 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 0 से लेकर के 6 से 6 के बीच में होगी, तो k की जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ पे k+h लिखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है कि ये 6q+r+ ठीक है प्लस h, ठीक है ना, अब एच में 6 के मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल्स हैं, 0 6 12, ठीक है ना, तो r+6q+h, इसमें भी 6 के मल्टीपल, इसमें भी x में भी 6 के मल्टीपल, यहाँ पे भी 6 के मल्टीपल,
तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस जो इस पूरे में एलिमेंट होंगे वो सिक्स के मल्टीपल ही आएंगे, इनफैक्ट एच में ही चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर प्लस एच। अब एच की जो चॉइसेस क्या है, एच की चॉइसेस है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। जैसे ही सिक्स आएगा, अगर आर की वैल्यू सिक्स हो गई, ठीक है ना, फिर इसका मल्टीपल हो जाएगा, फिर वो एच में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हम इसकी फाइव पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जी बाई एच में यहाँ पे बेसिकली कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, छह एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है, 0+H, 1+H, 2+H, 3+H, 4+H और 5+H, ठीक है। सो अच्छा, अब इसको ऐड करने के लिए सिमिलर प्रोसेस वैसे ही आप टेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 4H+5, 5H+4H को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4+5 हो गया, 9 हो गया, ये 9+H हो गया। H प्लस एच क्या होगा, H प्लस एच का मतलब H ही होगा, ठीक है, H प्लस एच का मतलब H ही होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, H हो गया, 9 को डिवाइड कर, किसी एक एलिमेंट जैसे ये वाला एलिमेंट पहले से ही है, ठीक है ना। सो दिस शुड बी वन ऑफ द सिक्स एलिमेंट्स लिस्टेड इन द सेट G by H। सो वेल, अगर हम इसको करेंगे तो मतलब 6 by 9 मतलब 3/H, ये तो मैंने बता ही दिया अभी। H absorbs all multiples of 6, ये इसमें 6 के मल्टीपल हैं, तो जो भी 6 के मल्टीपल्स आएंगे इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे क्यूबिक 6 क्यूब टाइप में, ठीक है। तो ये भी एक कोसेंट ग्रुप बनेगा, टेबल आप बना सकते हैं इसका। फिर आता है बात, अगले हम बात करते हैं डायहेड्रल ग्रुप, और उसका एक सबसेट लेते हैं, सब ग्रुप लेते हैं। सो D4 में आप जानते हो ये सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। D4 में R0, R90 और R180, R270, ठीक है, और H, V, D और D प्राइम, ये एलिमेंट होते हैं। मैंने टेबल यहाँ पे पहले से रख रखी है, ये आपको समझा रखा पहले से ही। कोसेंट ग्रुप ऑफ के इन D4, कोसेंट ग्रुप ऑफ के इन D4, के में केवल रोटेशंस है, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे आपके D4 बाई के में, ये जो एलिमेंट आएंगे वो ये के है आपका, के है, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट आएंगे सम एलिमेंट टाइप के आएंगे, ठीक, x बिलोंग्स टू D4, ऐसे एलिमेंट आने वाले, ठीक है ना। तो x की वैल्यूज, x इसमें से कोई सी वैल्यू ले सकता है, R0, R90, HV, कुछ भी इसमें से वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। सो एक वैल्यू यहां से उठाए, जैसे हम x की वैल्यू जब R0 लेंगे, x की वैल्यू R0 लेंगे इसमें, तो कितना आएगा, टेक x इक्वल्स टू R0, ठीक है, x इक्वल्स टू R0 लेंगे, ठीक है ना। R0 लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा R0 और ये हो जाएगा K, ठीक है ना। तो K ये है, यही रोटेशन है, तो इसमें कितने, इसको 0 डिग्री, R0 का मतलब क्या, R0 मतलब 0 डिग्री, आइडेंटिटी है, तो कोई फर्क डालेगा नहीं, है ना। तो R0 के कितना होगा, K हो जाएगा, तो एक एलिमेंट ये हो गया, समझ रहे हो आप। हेलो, यस सर, आप लोग रिस्पांस प्लेस करते रहे, है ना, ठीक है ना। तो हमने जब R0 और K लिया तो कितना आ गया, हमें K मिल गया, ठीक है ना। अब हम दूसरा R90 और हम K के सारे एलिमेंट पे ऑपरेट करो, R90 यानी R0 को करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, R90 हो जाएगा, और R180 कितना हो जाएगा, R270 हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब अगेन R180 के कर दो, सो R180 ये क्या हो जाएगा, R180 हो गया, और वहां पे करोगे तो वो R0 हो जाएगा, पक्का R180 R270 के, तो ये हो गया R270 हो गया, ठीक है ना, और 180 में करोगे तो R90 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो रोटेशन हमने सारे यूटिलाइज कर लिए, चारों रोटेशन हमने ऑपरेट करा के देख लिए, तो इसमें से एक ये मिल रहा है अलग, और ये दोनों सेम है,
एक ये मिल रहा है, ठीक है ना, कुल मिला करके। अच्छा ये, अच्छा ये के और ये भी दोनों सेम है, तो कुल मिला करके दो अलग अलग मिल रहे, ठीक है ना। एक तो के है और दूसरा कौन सा है, चाहे आर 90 के लिख दो या फिर चाहे आर 270 के लिख दो, तो इसमें दो लिखे, एक तो के लिख दिया है और दूसरा आर 90 के लिख दिया है, पक्का कोई दिक्कत नहीं? सर ठीक है, तो ऐसे ही अब करते हैं हम और एलिमेंट उठाते हैं एच के, ठीक एच के लिखते हैं। तो एच अब 90 में एच करेंगे यानी आर जीरो को, आर जीरो को मतलब डू नथिंग आइडेंटिटी, उसी ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजेंटली वो करते हैं तो कितना आएगा, हॉरिजेंटली तो आएगा आर जीरो को या फिर एच को, एच को यहाँ पे जो एच है ठीक है ना, इसको आर जीरो एच से एच पे ऑपरेट करते हैं, के पे ऑपरेट करते हैं, यानी आर जीरो को ऑपरेट करना है, ठीक है। आर जीरो को हम ऑपरेट करेंगे किससे, एच से ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा, एच ही तो आएगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम हॉरिजेंटली फ्लिप कर रहे हैं तो क्या आएगा, एच ही तो आएगा, ठीक है ना, एच हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट आर 180 को हॉरिजेंटली फ्लिप करना है, आर 180 को हॉरिजेंटली फ्लिप करना है तो वो क्या आ जा रहा है, ये वर्टिकल आ जाए, एच और वी आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर हम वी करते हैं, वी और के, ठीक है, ऐसे ही वी और के करेंगे ना तो ये वी और एच आ जाएगा, आप देख लेना। सिमिलरली डी के करेंगे तो के एक तो पहला जीरो है तो एक तो जीरो हो जाएगा, और फिर क्या करना है, आर 180, आर 180 का मतलब ये फ्लिप, ये ऊपर नीचे सॉरी इसको एक बार रोटेट कर, एक बार रोटेट करेंगे ना तो ये ऊपर ये हो जाएगा, मतलब रोटेट हो जाएंगे, तो ये भी हमारा डी डैश आएगा। ऐसे ही आप करके देखेंगे डी डैश और के, तो ये हो जाएगा डी डैश और के डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अलग अलग है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ठीक है ना, तो इन दोनों में से कोई एक रख लो, इन दोनों में से कोई एक रख लो, तो इन्होंने एच के रख दिया और एक डी के रख दिया, और फिर अभी इसका क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन टेबल बना रखा है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स जो के है ये यहाँ पे काम करेगा आइडेंटिटी का काम करेगा, बाकी आप देख सकते हो के के हमेशा वही रहेगा, के ही देगा, ठीक है ना। और बाकी जो यहाँ पे ये वाले है इसको आप देख सकते हो, तो आर 90 आर 90 आर 180 हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है। और आर 180 हुआ, आर 180 के, आर 180 के हुआ तो ये आप देख पाएंगे यही आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, के ही आ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने के लिख दिया है, ठीक है, ओके। सो आर 90 जो है ये सेल्फ इनवर्स हो गया, ये भी सेल्फ इनवर्स है, ये भी सेल्फ इनवर्स है, फोर एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो चार फोर ऑर्डर के जो ग्रुप होते हैं ना, फोर ऑर्डर के जो ग्रुप है ये आपका ये इसमें दो एलिमेंट जो है ये सेल्फ, मतलब एक ये तो सेल्फ इनवर्स है ये, और ये भी सेल्फ इनवर्स है, ये भी सेल्फ इनवर्स है, यानी ये कुल मिला करके ये जो हमने के फोर ग्रुप पढ़ा था ना उसी की तरह है, मतलब उसी के वही है और कुछ नहीं है। के फोर में भी तो ऐसे ही होता था, ठीक है ना, सारे एलिमेंट क्या होते थे, सेल्फ इनवर्स होते थे, फाइन ओके ठीक है, चले आगे, टाइम तो बचा नहीं। यस यस सो चलो ठीक है, कल हम प्रूफ कर लेंगे उसका, फाइन। तो एक चीज मैं आपको कर दूं कि वन ऑर्डर का जो ग्रुप होता है ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर एंड ग्रुप, ऑर्डर वन सिंगलटन होगा, ठीक, ऑर्डर टू, दो ऑर्डर का जो ग्रुप होगा एक आइडेंटिटी एलिमेंट और एक ए होगा, ए जो है ए हैज टू बी क्या, सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा, यानी एबेलियन होगा, ठीक है ना। थ्री ऑर्डर का ग्रुप क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ई हो सकता है, ठीक है, दो एक दूसरे के इनवर्स हो, लेकिन व्हाट अबाउट ए बी अगर लिखेंगे तो,
तो जब तीन ऑर्डर का ग्रुप आएगा ना, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, जैसे जब हम जेड थ्री लिखते हैं ना, तीन ऑर्डर का ग्रुप, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जीरो वन और टू होते हैं, ठीक है ना। ओके तो हाँ, जीरो वन और टू होते हैं। ओके और ये क्या होता है, साइक्लिक होता है जेड थ्री, वन से जनरेट हो जाएगा ना, वन से जनरेट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब प्रॉपर्टी क्या है, जीरो का ऑर्डर कितना है, जीरो का ऑर्डर वन है, वन का ऑर्डर कितना है, टू है, ठीक, वन का ऑर्डर टू है, और टू क्या है, टू का ऑर्डर कितना है बताइए, टू का ऑर्डर थ्री है, टू का ऑर्डर थ्री है ना। यस सर, ऐसे ही हो रहा है, ये वन से जब जनरेट हो रहा है ना, तो एक एलिमेंट ये आ रहा है, वन, एक तो वन हो गया, ठीक है ना, दूसरा वन प्लस वन हो गया, और उसके बाद जो जीरो आएगा, वन प्लस वन आएगा, तो ये थ्री है ना, ये थ्री है, थ्री जीरो के इक्वल हो गया, यानी वन का इसका ये टू हो गया हमारा, ये हो गया जो है जीरो हो गया, टू का ऑर्डर जो टू प्लस टू प्लस टू, ये कितना हो रहा है, सिक्स हो रहा है, सिक्स को थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। ओके तो जब भी होगा, अच्छा अब इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कोई भी ग्रुप में ए ए बी ऐसे करके रहे, मान लीजिए ए भी सेल्फ इनवर्स रहे, ये भी सेल्फ इनवर्स रहे, सो व्हाट अबाउट ए बी, दिस इज द क्वेश्चन, इक्वल टू ई, ए बी equals to AB equals to E identity। तो अगर ये दोनों self inverse हो गए तो फिर AB E कैसे होगा बताओ सर, ये एक दूसरे के inverse हो गए, अगर ये एक दूसरे के inverse हो गए A और B, तो एक दूसरे के inverse हो गए, है ना, AB एक दूसरे के inverse हो गए, तो AB जो हमारा E हो गया, ठीक है ना। तो व्हाट अबाउट ए स्क्वायर, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर आप ए इन दोनों को सेल्फ इनवर्स कहते हैं, तो फिर ए बी के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। और अगर आप ये कहते हैं कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो फिर ए स्क्वायर और इसकी पावर्स के बारे में बात आ जाएगा, है ना। सर ए स्क्वायर इक्वल टू ई होगा सर, ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ऐसा कैसे होगा, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर ए हो गया तो फिर इसमें हम कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हुआ तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब नहीं समझे, ए स्क्वायर को ऐसे लिख पाओगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, किया, ठीक है ना। यस सर, ये क्या हो गया, यहाँ पे ए इक्वल्स टू, इधर क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो जो थ्री ऑर्डर का ग्रुप होता है ना, हमेशा साइक्लिक होता है, इनफैक्ट प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, ठीक है ना। तो जेड जो थ्री ऑर्डर का जो ग्रुप होगा ना, जो भी थ्री ऑर्डर का ग्रुप होगा, वो हमेशा इसके आइसोमार्फिक होगा, हमेशा साइक्लिक होगा, ठीक है ना। फोर ऑर्डर में क्या हो सकता है, या तो के फोर हो सकता है, के फोर में क्या एलिमेंट, ए ए बी और ए बी, ये हो सकता है, या फिर जेड फोर हो सकता है, ठीक, या तो ये अबेलियन होगा या तो फिर ये साइक्लिक होगा। जेड फाइव, इसमें कितने एलिमेंट है, फाइव, फाइव ऑर्डर का ग्रुप है ये, यहाँ पे मैंने जेड फाइव लिख दिया, ये फाइव ऑर्डर का अगर है तो ये क्या हो जाएगा, जेड फाइव हो जाएगा, ये फाइव ऑर्डर का ग्रुप हमेशा, फाइव प्राइम है तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। आई डोंट नो कि हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि नहीं, प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, किया था प्रूफ, आई डोंट नो, इट इज डन।
ठीक है, ऐसे ही आप 6 के बारे में करना, 7 के बारे में करना, एटलीस्ट 5 तक तो हमें पता हो गया अभी तक, है ना, कि 5 ऑर्डर के ग्रुप तक जो होगा या तो अबेलियन होगा या फिर साइक्लिक होगा, ठीक है ना, ऐसे 6 के बारे में देखना आप। ओके, तो आज का डिस्कशन यहीं पे फिनिश करते हैं।